तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2021 का सेकंड फेज यूएई में खेला जाएगा एंड वहां पर पहला मैच मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला जाएगा। तो आज हम पिक करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 यूएई फेज के लिए। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर चैनल पर रहें तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए गाइस, प्लेइंग 11 पिक करते हैं, उससे पहले नजर डाल देते हैं कि आईपीएल 2021 का पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, कहां खड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स टीम और चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो देखिए यहां पर अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, नंबर 2 पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस वो जीते हैं, 2 मैचेस वो हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं उनके। तो ये तो आईपीएल 2021 का पॉइंट्स टेबल कहता है और बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहा आईपीएल 2021 के फर्स्ट फेज में जो कि इंडिया में खेला गया था। बट अगर नजर डालते हैं आईपीएल 2020 की, तो वहां पर ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये जो आईपीएल 2020 है वो यूएई में खेला गया था और वहां पर ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बहुत बुरा स्ट्रगल कर रही थी ये टीम। अगर नजर डाले पॉइंट्स टेबल के आईपीएल 2020 के, तो वहां पर ये टीम नंबर 7 पर थी, जहां पर इन्होंने 14 मैचेस खेले थे, 6 मैचेस जीते थे और 8 मैचेस ये हारे थे। ऐसा कभी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ नहीं कि वो आईपीएल की हिस्ट्री में क्वालिफाई नहीं करे हो, बट आईपीएल 2020 में ये क्वालिफाई नहीं करे थे। अब चलेगा इस प्लेइंग 11 पिक करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की मुंबई इंडियंस के सामने पहले मैच में कैसी प्लेइंग 11 होने वाली है। तो यहां पर देखिए, अगर इनके ओपनर्स की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने वाला है। देखिए अगर 2020 की बात करें, आईपीएल 2020 के जो कि यूएई में हुआ था, वहां पर लगातार 3 हाफ सेंचुरीज इन्होंने मारी थी, बहुत ही अच्छे फॉर्म में था आईपीएल 2020 में, यूएई में बहुत ही अच्छी वहां पर बैटिंग की थी इन्होंने। तो ये तो फॉर श्योर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग करने वाला है। हालांकि फर्स्ट फेज इतना अच्छा गया नहीं है, बट फिर भी एमएस धोनी ने टीम मैनेजमेंट में इनको इन पर भरोसा बताया है एंड वो उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो पहले ओपनर होंगे, उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा। यहां पर देखिए फैफ डुप्लेसिस करने वाला है इनके साथ ओपनिंग आईपीएल 2020। आप वापस से एक रिकॉल कीजिए, वहां पर कितना अच्छा फॉर्म था फैफ डुप्लेसिस का, कितनी अच्छी तरह से वो बैटिंग कर रहे थे एंड आई थिंक टॉप 5 रन गेटर्स में भी थे, टॉप 5 जो रन्स थे मोस्ट रन्स वहां पर भी फैफ डुप्लेसिस का नाम था। तो फैफ डुप्लेसिस एंड ऋतुराज गायकवाड़, दिस आर टू ओपनर्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। अगर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की बात करें, यहां पर इस टीम में नंबर 3 पर खेलने वाले मोइन अली, जो कि आपके लिए थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी करके देंगे। देखिए इंग्लैंड ने एनओसी दे दी है कि वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में भेजने वाले यूएई के सेकंड फेज के लिए। यहां पर इंग्लैंड के प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, तो मोइन अली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए नंबर 3 पर खेलेंगे और ऑफ स्पिन भी करेंगे। बैटिंग में कितना अच्छा उन्होंने बैटिंग की थी इंडिया में, जो आईपीएल खेला गया था फर्स्ट फेज आईपीएल 2020 का, वहां पर कितनी अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी। तो मोइन अली नंबर 3 पर खेलेंगे। नंबर 4 की बात करें तो इनके वाइस कैप्टन चिन्नाथाला, यानी कि सुरेश रायना, वो यहां पर नंबर 4 पर खेलने वाले और बहुत ही अच्छा फॉर्म रहा था। हालांकि देखिए आईपीएल 2020 इन्होंने खेला नहीं था यूएई में, बट यहां पर इस साल तो खेलने वाला और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है सुरेश रायना। तो सुरेश रायना यहाँ पर नंबर 4 पर। नंबर 5 की बात करें तो अंबती रायडू आपको देखने मिलेंगे। देखिए जब आईपीएल जब पोस्टपोन हुआ था, यानी कि आईपीएल को पोस्टपोन किया था, उससे पहले जो एक मैच दो मैच जो पहले हुई थी, वहाँ पर अंबती रायडू ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। यानी कि सीएसके वर्सेस एमआई का जो मैच था, वहाँ पर अंबती रायडू ने एक 28 गेंदों में शायद 72 रन्स मारे थे, 28 बॉल्स में 72 रन्स, ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग देयर। और मुंबई इंडियंस के सामने इन्होंने ये कारनामा किया था एंड अब वापस से मुंबई इंडियंस के सामने मैच खेलने वाले, मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेल चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। तो नंबर 5 पर आपको अंबती रायडू देखने मिलेंगे। नंबर 6 की बात करें तो एमएस धोनी, जो कि सीएसके के कैप्टन है, वो नंबर 6 पर आपको देखने मिलेंगे। बट देखिए यहां पर देखते हैं कि एमएस धोनी का फॉर्म कैसा रहेगा। बट देखिए अगर बात करें कैप्टनसी की, तो नो डाउट एमएस धोनी से अच्छा कोई कैप्टन है ही नहीं। हालांकि देखिए रोहित शर्मा के पास ट्रॉफी ज्यादा है, बट एक्सपीरियंस किसके पास है, एक्सपीरियंस है एमएस धोनी के पास। तो एमएस धोनी कैप्टन, तो कैप्टनसी तो उनकी डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली, विकेट कीपिंग भी अच्छी होगी। बट देखिए यहां पर देखना पड़ेगा फिटनेस कैसी होगी। आईपीएल 2020 यूएई में खेला गया था, गर्मी थी वहां पर और वहां पर एमएस धोनी इतने अच्छे फिट नजर नहीं आ रहे थे। बट अब देखते हैं कि आईपीएल 2021 में कैसा था यूएई में, फिर भी अभी भी गर्मी है और इस साल एमएस धोनी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, तो एमएस धोनी का आईपीएल 2020 इतना अच्छा गया नहीं था। आईपीएल 2021 की बात करें तो देखिए, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे थोड़ी उम्मीद है कि एमएस धोनी का ये साल अच्छा जाने वाला है और ये शायद इनका आखिरी साल हो सकता है। इसलिए एमएस धोनी इसको एक रिमार्केबल साल बनाना चाहेंगे, एक रिमार्केबल सीजन बनाना चाहेंगे। तो एमएस धोनी यहाँ पर इस टीम के नंबर 6 पर खेलेंगे, जो कि कैप्टन विकेट कीपर होंगे इस टीम के। नंबर 7 की बात करें तो वहाँ पर आपको सैम करन का नाम देखने मिलेगा। सैम करन इंग्लैंड के प्लेयर्स फिर से अवेलेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया एंड सैम करन लेफ्ट आर्म बॉलिंग डालेंगे, बैटिंग अच्छी करते हैं। हालांकि देखिए अभी जो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, वहाँ पर इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बॉल से भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, बैटिंग से भी, मतलब बैटिंग भी इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं है।
बट देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस ये आईपीएल में देते हैं, एमएस धोनी की कैप्टनसी में कैसा परफॉर्मेंस ये देते हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा इनको देखने में। अगर नंबर 8 की बात करें तो वहाँ पर आपको रविंद्र जाडेजा देखने मिलेंगे, सर रविंद्र जाडेजा। देखिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की बात करें तो वहाँ पर रविंद्र जाडेजा बहुत ही अच्छे फॉर्म में, हालांकि बॉलिंग अभी इतनी की नहीं है, बट बैटिंग में बहुत ही अच्छी फॉर्म में है ये, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है ये बैटिंग में, एंड फील्डिंग तो आप सभी लोग जानते हैं। तो रविंद्र जाडेजा इस टीम में नंबर 8 पर होंगे, इस प्लेइंग 11 नंबर 8 पर होंगे। नंबर 9 की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं है, कोई डिबेट नहीं होने वाली। यहाँ पर इस टीम के लिए खेलने वाले शार्दुल ठाकुर, जो कि इस टीम के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, और इस टीम में आपको बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी देखने मिलेंगे, और इसके चलते चलते आपको बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस भी देखने मिलेंगे। बैटिंग भी इस टीम की लंबी है, तो ये एक अच्छी चीज है इस टीम की। तो यहाँ पर नंबर 9 पर आपको शार्दुल ठाकुर देखने मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी करते आ रहे इंडियन टीम के लिए, रेगुलरली खेल रहे। अगर नंबर 10 की बात करें तो वहाँ पर आपको दीपक चाहर का नाम देखने मिलेगा। दीपक चाहर श्रीलंका में अभी गए थे और बहुत ही अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस किया दीपक चाहर ने, सो दीपक चाहर विल बी एट नंबर 10। अगर नंबर 11 की बात करें तो देखिए ये जो स्लॉट है ये बहुत ओपन है, यानी कि यहाँ पर आप जिसको चाहे उसको खिलाना सकते हैं। अगर स्पिनर्स को खिलाना चाहते हो तो आपके पास इमरान ताहिर है, आपके पास करण शर्मा है, आपके पास मिचेल सेंटनर है। अगर आप फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं, अगर आप बैटिंग मतलब जो बैटिंग कर सके वैसा फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं, तो आपके पास ड्वेन ब्रावो है। एंड अगर आप प्योर फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हैं तो आपके पास लुंगी एनजीडी है, एंड मे बी आपके पास जेसन बैरनटॉफ भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास इधर, बट देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स किसको खिलाती है। अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ, मेरे कुछ विचार की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि इमरान ताहिर को यहाँ पर खिला लेना चाहिए, क्योंकि इमरान ताहिर अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, हैट्रिक भी ली अभी तो रिसेंट में, 100 में बहुत ही अच्छी एक हैट्रिक ली इन्होंने। तो मुझे लगता है कि इमरान ताहिर को यहाँ पर एमएस धोनी कंसिडर करेंगे। तो ऐसे कुछ प्लेइंग 11 आपको चेन्नई सुपर किंग्स के देखने मिलते हैं। इनके दो ओपनर्स फाइव डुप्लेसिस ऋतुराज गायकवाड़, उनके बाद मोइन अली, सुरेश रायना, अंबती रायडू, एमएस धोनी, सैम करन, रविंद्र जाडेजा, उनके बाद आपको शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर, एंड आपको लास्ट में देखने मिलेंगे इमरान ताहिर। तो ऐसे कुछ प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की होगी। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको अगला वीडियो किस टीम पर चाहिए, अगली प्लेइंग 11 आपको किस टीम पर चाहिए। अगली प्लेइंग 11 तो आपको मुंबई इंडियंस में मिलेगी, बट उसके बाद किस टीम पर चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड यस आपको मुझे प्रिडिक्शंस बताइए आपके प्रिडिक्शंस क्या, आईपीएल 2021 के पहले मैच की प्रिडिक्शंस क्या है आपकी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आईपीएल 2021 का सेकंड फेज, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो बस इसी एक्साइटमेंट को दिखाते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपको कुछ जानने मिला हो इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को दबा दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।